और यहाँ पे सबसे बड़ा, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा भगवत गीता यहाँ पे। ओ शिट, रात के 12:30 हो रहे हैं और बारिश शुरू हो गया यहाँ पे। देखो अभी भटक रहा हूँ इन दिल्ली के रास्तों में, कहाँ पे क्या है, चलो देखते हैं। थैंक यू भैया। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन भैया, और यहाँ पे आपका नाम भैया? राजेश। तो अभी मुझे लेके चले लगभग 28 किलोमीटर तक। कौन से क्या नाम है उसे? पल्लवगढ़। थैंक यू, वेलकम। तो अभी चलते हैं पल्लवगढ़ तक भैया लोग के साथ में। थैंक यू। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? कितने किलोमीटर? चार या पाँच। ठीक है, तो अभी मुझे बाइक भी मिला है भैया के साथ में। थैंक यू। आपका नाम क्या है? कृष्णा वशिष्ठ। कृष्णा, तो 4-5 किलोमीटर जा रहे हैं भैया, चलते हैं 4-5 किलोमीटर। ठीक है ब्रो, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई वाले भाई जा चुके हैं और अभी भी मैं हरियाणा के अंदर ही हूँ। एंड यहाँ पे मेट्रो सिटी है ये, यहाँ से मेट्रो का काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी यहाँ से फिर से लिफ्ट लेता हूँ और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है दिल्ली। तो थोड़ी देर में दिल्ली पहुँच जाएंगे हम, बने रहना। धूप काफ़ी ज़्यादा है, टेढ़े भी धूप आ रहे हैं, तो वगैरह दिख रहा नहीं है, तो यही से इधर किसी तरह शुरू करते हैं। इधर पूरे BMW दिख रहे हैं इस रास्ते पे, मेट्रो है, BMW है भाई, सब कुछ है यहाँ पे। अभी यहाँ से 2-3 BMW और 2-3 Lamborghini क्रॉस होकर चले गए, कैप्चर नहीं कर पाया। तो फिर से एक लिंक मिला है भैया के साथ में एंड इलेक्ट्रिक वाले स्कूटी भी मिला है। आपका नाम क्या है भैया? नाम बता। नाम क्या है भाई? छोटू। नाम बता। वरुण। वरुण, थैंक यू भाई। कोई नहीं भाई, देखते। तो प्रियांशु भाई अभी मुझे एक बहुत ही बड़े मंदिर पे ले गए। क्या नाम बताया था भाई इसका? स्कॉन टेंपल भाई। स्कॉन टेंपल, एंड काफी बड़ा है ये, यहाँ पे देखिए आप है ना। हाँ, सबसे बड़ी वो है भगवत गीता। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो अभी सबसे बड़ी भगवत गीता देखते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा भगवत गीता यहाँ पे अंदर। ये वाला अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अभी लगभग 6 बज चुके हैं शाम के और मैं हाईवे से थोड़ा अंदर आ गया हूँ, एक टेंपल विजिट किया। एंड सामने एक गुरुद्वारा था तो वहाँ पे मैं गया था अभी। तो उन लोगों ने लाइक वहाँ पे गुरुद्वारा कंप्लीट नहीं है, बना नहीं है ऐसा बोल रहे थे, तो वहाँ पे नहीं मिला मुझे रहने का। अभी वापस हाईवे पे जा रहा हूँ एंड देखते हैं इधर अगर कोई गुरुद्वारा अगर मिलता है तो रहने का देखूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर हॉस्टल वगैरह देखता हूँ, अगर हॉस्टल मिलेगा बजट में तो ले लेंगे। अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा दिखा रहे हैं तो वहाँ पे चल के देखता हूँ। काफ़ी भीड़ है यार, नॉइस। ये मेन हाईवे नहीं है फिर भी, ये पतली गलियों से होते हुए गूगल मैप्स के सहारे चल रहा हूँ बस। अब तो यही सहारा है क्योंकि हर साइड सेम लग रहा है बिल्कुल, तो यही सहारा है अपना। बैटरी है 50%
एंड पावर बैंक भी आई थिंक आधा चार्ज है। कोई बात नहीं, तो ये वाला रास्ता है, सही जा रहा हूँ। और यहाँ से 600 मीटर दिखा रहे हैं ये, तो अभी गुरुद्वारे के अंदर आ चुका हूँ और काफ़ी बड़ा है ये। अभी देखते हैं परमिशन अगर मिलता है तो आज यहीं पे रहेंगे हम। तो यहाँ पे परमिशन मिला नहीं मुझे, अभी वापस चल रहा हूँ रास्ते पे। यहाँ पे मीन्स ऐसे अलाउ नहीं करते बाहर के किसी भी लोगों को, ऐसा बोल रहे थे। अभी 7 बजने को है और अभी कोशिश करूँगा हाईवे पे निकलने के लिए यहाँ से। अभी एकदम गांव वाले इलाके में आ गया हूँ। भैया यहाँ का नाम क्या है जगह का? श्रीनिवासपुरी। श्रीनिवासपुरी ये हाईवे निकलेगा रास्ता? हाँ निकल गया। कितना कितना दूर होगा? थोड़ा दूर है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। श्रीनिवासपुरी कुछ ऐसा है, छोटा सा मोहल्ला है गली, तो यहाँ से थोड़ा दूर है लगभग हाईवे, तो हाईवे पे निकलता हूँ पहले। तो मैंने चेक किया था यहाँ पे आसपास तो कोई गुरुद्वारा वगैरह है नहीं, तो हाईवे पे चलते हैं देखा जाएगा। आगे पेट्रोल पंप वगैरह भी है तो वहाँ पे भी पूछ के देखता हूँ, अगर परमिशन मिलेगा तो उधर लगा लेंगे। यहाँ का कुछ ऐसा है, अभी लग रहा है सही दिल्ली में आ गया हूँ। ये देखो ट्रैफिक देखो भाई यहाँ पे। और इसके बीच से BMW, मर्सिडीज और भी बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है मुझे। और हाईवे पे ही चल रहा हूँ अभी, तो रहने का कुछ ज़्यादा पता नहीं। और वहाँ पे गुरुद्वारे पे गया दो जगह, वहाँ पे दोनों में मना कर दिया, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भैया भुट्टे बेच रहे हैं, मकई एक का 20 रुपीस है, तो मैंने एक ले लिया यहाँ पे। एक पेट्रोल पंप था सामने, तो यहाँ पे मैंने पूछा तो यहाँ पे भी मतलब मना कर दिया, इधर भी नहीं होगा उसकी जोने वगैरह बोल रहे थे। तो अभी भटक रहा हूँ इन दिल्ली के रास्तों में, कहाँ पे क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई CCTV कितना बड़ा बड़ा है, चलान वगैरह ऑनलाइन आ जाता है डायरेक्ट। इधर है फ्लाईओवर, नीचे भी रास्ते, एंड यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा है। सो यहाँ पे अभी जाके पूछ के देखता हूँ, अगर यहाँ पे टेंट लगाने देंगे तो इधर कहीं लगा लूँगा। हाईवे के वहाँ से रास्ता नहीं था, अभी पीछे के गली में आ गया हूँ एंड यहाँ से भी रास्ता दिख नहीं रहा इसका, पूरा पैक है क्या। तो अभी मंदिर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे ये पानी वगैरह पी रहा हूँ और यहाँ आरती हो रही है, तो थोड़ी देर बैठने को बोला है, उसके बाद बात करेंगे, पानी पी लेते हैं। तो गाइस मंदिर पे बैठा थोड़ी देर और वहाँ पे मना कर दिया मुझे, ऐसा नहीं रखते और बोल रहे थे कि साइड में चले जाओ, पास में एक मंदिर है वहाँ पे आपको 700-800 रुपये में रूम मिल जाएगा, वहाँ पे रह लो करके। मैंने उनको समझाया थोड़ा सा जगह दे दो, टेंट वेंट है मेरे पास, बस रात बिताना है सो जाऊँगा, लेकिन ना भैया उनको तो बिल्कुल पता नहीं यार मंदिर पे बैठे हुए सही में क्या चल रहा है। और नाम यहाँ का दिल्ली है बट दिल किसी के पास नहीं होता, इधर सब मुसाफिर है। और सही में तो यहाँ पे ऐसा फील होगा ना आपको कि आप इंडिया में नहीं हो, बंदा अकेला है रात को किधर जाएगा वगैरह, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, कोई मतलब नहीं है। सही में काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था मुझे, मंदिर बना लिया है और लाइक पता नहीं बिजनेस चला रहे ऐसा है, बस चलो कोई बात नहीं सही है ये भी। और इसलिए मैं तो सीधा बोलता हूँ मैं नास्तिक हूँ, पूजा पाठ से बिल्कुल दूर रहता हूँ, अगरबत्ती भी नहीं जलाता मैं तो, और ये सही लगता है ऐसे झूठ मूठ के दिखावे से अच्छा नास्तिक रहो भाई। भगवान को मानो हाँ, लेकिन ये भजन कीर्तन अगरबत्ती जला के और अपना जो अस्थि रूप है उसको ही करते रहोगे तो नहीं होगा। सही चीज़ जो है
लोगों का, ज़रूरतमंदों का मदद करना, वही सही चीज़ है मेरे हिसाब से। पता नहीं ये मंदिर वाले अगरबत्ती जला के क्या साबित करना चाहते हैं। चलो सही है, कोई नहीं, यहाँ पे एक पार्क है अभी, ये पीछे दिख रहा है जो, तो आज रात यहीं पे देखता हूँ टेंट लगाऊंगा। तो इधर लगाया टेंट, यहाँ पे पेड़ है एंड इसके पार में तो हाईवे है पूरा, गाड़ी वाड़ी चल रहा है एंड ये पार्क है कुछ यही है। अभी लगभग 9 बज चुके हैं और थोड़ी देर के बाद इसके अंदर जाऊंगा, सो जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज पूरा बेकार लग गया मुझे, दिल्ली पे बहुत ही बेकार है यार सही में। यहाँ के मंदिर वाले, गुरुद्वारे वाले बिल्कुल पता नहीं यार, कुछ बोलने का मन नहीं। चलो सही है, गुड नाइट, जय हिंद, स्टे सेफ। ओ शिट, रात के 12:30 हो रहे हैं और बारिश शुरू हो गया। यहाँ पे देखो काफ़ी तेज़ हवा पे रहे और हल्का हल्का बारिश भी आने लग गया। क्या करूँ अब,